बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2। और इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पहले जानना चाहते हैं। एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, ये इंट्रोडक्शन दिया है उसने कि इस एक्सरसाइज में हम एडिशन यानी सम एंड सब्ट्रैक्शन यानी माइनस ऑफ होल नंबर को सम करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो आपने एग्जांपल से स्टार्ट दे दिया है, इसकी डेफिनेशन तो कोई है नहीं। एडिशन हम बचपन से जानते आ रहे हैं, 2-3 क्लास से ही ऐड शुरू कर देते हैं और सब्ट्रैक्शन भी शुरू हो जाती है, 5 + 2, 3 - 1। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट तो स्टार्ट से ही हो जाता है। अब इसमें उसने होल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट दिया है, तो एग्जाम्पल से उसने स्टार्ट दिया है और क्वेश्चन उसने दिया है, पार्ट वन दिया है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल फर्स्ट, 95 + 63। फिर सेकंड उसने पार्ट इसमें का एग्जांपल वन में आपने फाइंड करना है, 634 + 179 + 358। और थर्ड पार्ट में उसने स्टूडेंट दिया है हमें 9056 + 817। अब स्टूडेंट मैं आपको एडिशन के, ये सारे एडिशन के सामने, तो एडिशन के मैं आपको 2-3 मेथड बता देता हूँ। आपको जो इजी लगे वही अडॉप्ट कर लें, लेकिन होना सही चाहिए। अब हम दो मेथड इसके करते हैं। एक होता है हमारे पास 95 + 63 डायरेक्ट मेथड। कैसे? मेंटली हम कर लेते हैं। कैसे करते हैं? इस 5 को, ये 1 प्लेस पे वैल्यू है, इस 5 को इस 3 में ऐड करते हैं। ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 5 + 3, हमारे पास आंसर आ गया 8। फिर हमने ये करना है कि ये जो 9 है और ये जो 6 है, इसको ऐड कर लेते हैं। हम कहते हैं 9 + 6 = 15। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आएगा हमारे पास 158। अब दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कहते हैं 95 + 63, ये 1 प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, ये भी यूनिट प्लेस पे, तो 3 + 5 हम लिख लेते हैं इक्वल टू लगा के 8। और फिर ये 10 प्लेस पे और ये 9, ये भी 10 प्लेस पे 9, 6 और 9 = 15। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और एक और मेथड है करने का कि हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, 95 = 63, ये इसका है वर्टिकल फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल फॉर्म। ये थे हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म। तो दो मेथड हो गए। अब इसको ये इस तरह, ये देखें, ये 5 + 3 = 8 और इसमें कैरी कुछ नहीं आया, 9 + 6 = 15। तो ये हमारे थे 2-3 मेथड, मैंने आपको बता दिए। अब स्टूडेंट इसमें सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि 634 + 179 + 358 को ऐड करना है। तो मैं ये करता हूँ कि पहले आपको ये हॉरिजॉन्टल में करके दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है हमने। ये देखता हूँ मैं, इस पे 1 प्लेस पे ये ऐसे में लगा देता हूँ, ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। स्टूडेंट इसको 1 प्लेस भी कहते हैं, यूनिट प्लेस भी कहते हैं, या जो पहला हमारा नंबर होता है उसको हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, यूनिट प्लेस वैल्यू, या इसको हम कहते हैं वन्स वैल्यू, वन्स प्लेस वैल्यू या वन्स वैल्यू। ये इसी तरह ये 10 प्लेस 100, यूनिट 10 100, ये यूनिट 10 और फिर ये हमारे पास आ गई 100। अब होता ये है कि जो जो वैल्यू जिस जिस प्लेस की है उसी को हम ऐड करेंगे। अब इसमें पहले देखते हैं 4 है, फिर 9 है, फिर 8 है। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें लिखें, 8 9 4 लिख लें, 4 9 8 लिख लें, जैसे आपको आसानी हो। ये 4 + इसमें जो ये वैल्यू है 9 + 8, तो ये हमने ये वैल्यू लिख ली। अब इसको ऐड करते हैं,
तो ये आ जाएगा 9, 4, 13, 13 और 8, 21 आंसर आता है। अब इसके बाद ये 10th प्लेस पे वैल्यू है, तो इधर से हमने स्टार्ट लिया था, तो फिर हम वही रूटीन रखेंगे, उधर से ही हम फॉर्मेट बनाएंगे। अब ये 10th प्लेस पे ये 3 लिख लिया मैंने, 3 प्लस ये 10th प्लेस पे 7, ये 10th प्लेस पे 5। अब इसका और ये था इसमें, अब ये देखें, ये जब हम 21 लिखते हैं तो प्लस में हम ये 1 की वैल्यू रख लेते हैं और 10 की वैल्यू उसको नेक्स्ट शिफ्ट कर देते हैं। अब ये जो 1 वैल्यू इसको रहने देते हैं, इस 10 वैल्यू को ऐसे क्रॉस लगा के इधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्यों जो हम कहते हैं कैरी आ गया हमारे पास। ये अब ये 2 प्लस 3 5 5 प्लस 7 12 12 प्लस 5 17, ये आ गया हमारे पास 17। अब ये फिर ये वैल्यू आ गई और फिर ये वैल्यू आ गई, ये इस वैल्यू को रहने देंगे और इसको कट करके नेक्स्ट ले आएंगे 1 प्लस। अब ये लिखेंगे 6 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब हमारे पास आ जाएगा 7, 8 और 3, 11। अब ये देखें स्टूडेंट, ये 11 और फिर इस तरतीब से जाएंगे ये, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, 1, 7, 1। तो हम लिख देंगे इक्वल टू 1, 1, 7, 1। स्टूडेंट आपको अगर ये मेथड इजी लगता है तो ये आप कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि आप इधर ना कंफ्यूज हो जाएं, जो कैरी आता है किसी भी प्लस करने में, 1 प्लेस पे 10 प्लेस पे कैरी आ गया, और ये इससे बेहतर है फिर आप ऐसे लिख लें। या देखें पहली वैल्यू 634 179 358, ये देखें प्लस का साइन लगाएं। अब ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, पहले यूनिट प्लेस वाली वैल्यू को करते हैं 4 प्लस 9 13 13 और 8 21। अब ये देखें 21 का हम 1 यहाँ लिख देते हैं, ये देखें 21 का 1 हमने यहाँ लिख दिया और इस 2 को हम शिफ्ट कर देते हैं इस 10 पे। अब ये देखें इसी तरह मैंने ये 2 को इधर ले आया था जब 10 की वैल्यू हमने प्लस की थी। अब 2 2 प्लस 3 5 5 और 7 12 12 और 5 17। अब ये इसका आंसर आ गया 17 17 का हम 7 लिख देते हैं इधर और इस 1 को हम शिफ्ट कर देंगे 100 की वैल्यू पे, इस 1 को शिफ्ट कर देंगे 100 की वैल्यू पे। ऐसे मैंने किया था, 7 को टिक कर दिया था और 1 मैंने इधर शिफ्ट कर दिया था 100 की वैल्यू से प्लस करने के लिए। अब ये 1 प्लस 6 7 7 और 1 8 और 8 और 3 11। तो देखा स्टूडेंट ये भी वही आंसर आ गया 1171 1171। तो दोनों मेथड इजी हैं, दोनों ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये इस तरह ना लिखें, डायरेक्ट भी यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है, 10th प्लेस पे जो वैल्यू है, जो 100th प्लेस पे वैल्यू है, उसको करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में उसने हमें जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 9 0 5 6 और 8 1 7 2। ये मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है इसको और इसको हम करके देखते हैं प्लस। अब हम क्या करेंगे, पहले जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू इसको करते हैं, ये यूनिट प्लेस पे वैल्यू है, वैसे तो हमें पता है कि 6 प्लस 2, ये देखें पहले मैं ऐसे करके दिखा दूँ, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 लिखा, 1 इस पे कैरी आ गया, 1 और 1 2, 9 और 8 17, ये देखिए ये आंसर आ गया। अब जो दूसरा मेथड है कि जो यूनिट प्लेस की वैल्यू हम कहते हैं 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, फिर 7 प्लस, फिर लिखते हैं 5 प्लस 7, ये आ गया 12, 2 रहने देते हैं, 1 को कट कर लेते हैं, 1 इधर ले आते हैं जैसे कैरी को ले जाते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2। फिर इसमें 9 प्लस 8, ये देखिए 9 प्लस 8, ये आ जाएगा लास्ट में वैल्यू है, तो इसमें कुछ कट नहीं करेंगे क्योंकि आगे कैरी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें ये 17 और ये फिर हमारे पास ये 17 2 2 8, हमारा आंसर क्या आया 17 2 2 8। और स्टूडेंट इधर भी हमारा यही आंसर था, तो स्टूडेंट मैंने कोशिश की है आपको 2-3 मेथड से अंडरस्टैंड करवाने की और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको फॉलो किया होगा। अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। अल्लाह हाफ़िज़।